जो अगरबत्ती है पांच तत्वों में से बनाई हुई है, 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 फुट लंबाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 मुंडी यज्ञ मानो, ये बराबर है, क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ये कंटिन्यूस 1.5 महीना तक प्रज्वलित रहेगी। हजारों साल के बाद में राम जन्मभूमि के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बहुत सालों से लोगों को इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर हर्ष उल्लास है और भव्य से अति भव्य मंदिर बना है। उसके अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए पूरे भारत देश के अंदर से सभी राम भक्तों ने कुछ न कुछ चीज उधर भेजा है। तो इसको ध्यान में रख के जो वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो यहाँ से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये 108 फुट अगरबत्ती बनाया है और अयोध्या भेजेंगे उसको। इस अगरबत्ती के अंदर 191 किलो गाय का गिर गाय का घी यूज किया है, 376 किलो खोपरा का सीण यूज किया है, 376 किलो उगल यूज किया है, 376 किलो इसके अंदर पूरी जो गुलाब है ये सब मिला के वो सामग्री है, और 425 किलो इसके अंदर हवन सामग्री यूज किया गया है, और 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज किया है। ये सारी चीज मिला के इसका 3500 किलो वजन है। ये अगरबत्ती बनाने में तो कम से कम 5-5.5 लाख रुपए की लागत लगा हुआ है, और जो भी राम भक्तों ने इसमें सहयोग किया है। उसके बाद में ये अगरबत्ती, क्योंकि हमने बारिश पहले इसका काम चालू किया था, 6 महीना लगा है, क्योंकि बारिश का टाइम आने से अगरबत्ती पूरे बारिश के अंदर रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, मगर भगवान राम की कृपा हुई है, इसको हमने वाटरप्रूफ कर दिया था, तो अगरबत्ती को कोई नुकसान बारिश में नहीं हुआ है।